गाइस कल से हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में सिर्फ यही चल रहा है, जेरी वर्सेस टाइटन, टाइटन वर्सेस जेरी। जेरी ने टाइटन को गाली दी, भाई मैं सही से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है ये सब देख देख के भाई। लेकिन आज आपको पता लगेगा कि इस कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किसने किसको गाली दी, पहले किसने शुरुआत करी, कौन गलत है या दोनों की गलती है, सब आपको पूरा पता लग जाएगा। इसलिए आज इस वीडियो को पूरा आखिर तक देख के जाना, प्लीज पूरा आखिर तक देखना। तो मैं शुरू करता हूँ। तो गाइस इस कॉन्ट्रोवर्सी की शुरुआत होती है एक कम्युनिटी पोस्ट से, जिसको मैंने सिर्फ कल ही डाला था और सिर्फ 23 घंटे के अंदर उसमें 10,000 से भी ज्यादा लाइक हो गए थे और उसमें मैंने अपना फेस रिवील करा था। और वो मैं शेयर करता हूँ हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, और उसके बाद हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स व्हाट्सएप ग्रुप में, सब खुश होते हैं, सब मेरे को अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद मैं प्रभात गेमर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी से हो जाए पूरे ग्रुप मेंबर्स के, क्योंकि भाई उनको मैं अपना इंस्पिरेशन। और गाइस यहाँ पे ही हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता, लेकिन उसके बाद एंट्री होती है आपके टाइटन आर्मी के कर्ता धर्ता यानी कि सो कॉल्ड टाइटन प्रो गेमिंग की। उसके बाद ये क्या लिखता है बंदा यहाँ पे, जितनी औकात है उतना उड़ना चाहिए। भाई मतलब मेरी औकात पे जा रहा है बंदा, चल भाई तू मेरी औकात पे चले जा, मेरी कहाँ औकात है भाई तेरे सामने, मैं तो छोटा इंसान हूँ भाई, तू बहुत अमीर है। उसके बाद ये क्या लिखता है भाई, MG अल्फा FF का डट्टा, भाई उस बंदे की वजह से आज जो हूँ मैं वो हूँ, तो उस बंदे को कुछ मत बोल, मेरे को बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बंदे का नाम बीच में इन्वॉल्व मत कर। और गाइस उसके बाद भी मेरे को याद था इस बंदे ने मेरे को बुरे समय में सपोर्ट करा था, इसलिए मैं बस फिर भी इसको गाली नहीं देता हूँ, मैं ये लिखता हूँ भाई इसमें क्या गलत बोला भाई, भाई इसको भाई करके बोला, जबकि मेरे को टट्टा बोला फिर भी इसको भाई करके बोला। उसके बाद देखो बंदा क्या बोलता है कि आपके सो कॉल्ड टाइटन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है तू किसको पोक कर रहा है, तेरी औकात 1K सब्सक्राइबर की भी नहीं है, यू डिजर्व टट्टी। भाई देखो मतलब ये बंदा कितना लेवल तक गिर सकता है भाई, क्या क्या बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है जेरी ने मेरे को गाली, जेरी गलत है, जेरी ने मेरी माँ बहन को बोला, जेरी को जाके हेट दो वो तो। भाई पहले खुद भी तो देखो इस बंदे ने क्या करा था। और फिर ये बंदा बोलता है हमारे सपोर्ट के बिना तू कुछ भी नहीं है, तेरे को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था। भाई जो मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर थे पुराने चैनल पे, वो ये देखे गया था या फिर इसके कुत्ते देखे गए थे जो कुत्ते पूछते नहीं है, पहले इससे जाके यही पूछो। और फिर इतना ही नहीं, अगर ये बंदा कह रहा है कि मेरे सपोर्ट के चक्कर में, हम सबके सपोर्ट के चक्कर में तू आगे बढ़ा है, तूने अपना चैनल ग्रो करा है, तो हाँ करा है भाई, तुम लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सपोर्ट करोगे तो गिनाओगे। तुम लोगों ने सपोर्ट करा जिससे मेरे को एक ऑडियंस बेस मिला उसके बाद, लेकिन मैंने खुद से ग्रो करा है, वो तुम प्रूफ्स देखो यहाँ। तो ये रही वो वीडियो जिसमें मेरे को सारे के सारे यूट्यूबर्स ने सपोर्ट करा था, और इसमें आपको मैं सब्सक्राइबर्स दिखा दूं तो मेरे को सिर्फ 79K सब्सक्राइबर्स मिले, और अभी के समय में हमारे सब्सक्राइबर्स हैं 4.71 लाख। तो आप खुद ही डिसाइड करो, जो 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं वो मैंने खुद से कमाए, अपनी मेहनत से कमाए, 8-8 घंटे एडिटिंग करके कमाए, पूरे रात कॉन्टेंट ढूंढ के कमाए, पूरी रात जाग के मेहनत करके कमाएं, अपने दम पे कमाएं। तो आज फाइनल और लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, जिन भी यूट्यूबर्स ने मेरे को सपोर्ट करा उनका मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा और उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा, चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स कितने भी ज्यादा हो जाएं, दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट हमेशा रहेगा। लेकिन अगर ये कहोगे कि तू सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ रहा है, तू उनके चक्कर में ग्रो हो रहा है, तूने उनके चक्कर में तेरा चैनल चल रहा है, तो भाई मैं खुद से मेहनत कर रहा हूं, खुद से कंटेंट बना रहा हूं, खुद से नाम कमा रहा हूं, खुद से जेरी आर्मी बनाई है, खुद से मेहनत करी है। तो चलो गाइस ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये बंदा कहता है जेरी ने मेरी माँ बहन को गाली दी, जेरी ने मेरे घर वालों को गाली दी। उसके लिए गाइस मैंने इनसे कल कॉल पे भी बात करी और कॉल पे भी माफी मांगी इस बंदे से मैंने। उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, वहां पे भी मैंने माफी मांगी क्योंकि मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई इस बंदे ने शुरुआत करी थी वो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, वो आप देखो ये। तो गाइस आप साफ साफ देख सकते हो आपके टाइटन आर्मी के कर्ता धर्ता यानी कि टाइटन प्रो गेमिंग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ऐसी ही परवरिश की है पापा से ऐसे बात करते, मतलब ये बंदा बोलना चाह रहा है ये मेरा पाप है। भाई मतलब इतना लेवल तक मत गिरो कि पहले खुद किसी के घर वालों पे जाओ, फिर अगर वो बंदा घर वालों पे तुम्हारे जाए तो तुम रिकॉर्डिंग करके एक सिंपथी की वीडियो बना लो कि जेरी ने मेरे को गाली दी, जेरी बहुत गलत है, उसे जाके हेट हो। पहले खुद देखो भाई, तुमने मेरे पापा को बोला, खुद बोला तुमने कि मेरे पापा हो, ऐसा किसी को कोई कैसे बोल सकता है भाई, गिरे हुए लोग भी नहीं बोलते। उसके बाद इतना ही नहीं, भाई ने मेरे को अंकल बोला, भाई ने ये बोला कि भाई मेरे 1,000 सब्सक्राइबर की औकात नहीं है। उसके बाद भाई टट्टा बोला, भाई किस हद तक सहन करेगा इंसान, मेरे से सहन नहीं हुआ और मैं उस लेवल तक गिर गया जिस लेवल तक मेरे को नहीं जाना चाहिए था, और मैं इतना गंदा गाली दूंगा मैंने सोचा नहीं था, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, जेरी किसी को भी गाली नहीं देगा, चाहे कितना भी जेरी के साथ बुरा हो जाए वो नहीं देगा। तो आप सभी ऑडियंस से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो जेरी आर्मी आपको पता है इस वीडियो से आपको क्या ज्ञान मिला, पहले दोनों पार्टी की बात सुन लेना चाहिए, उसके बाद खुद डिसाइड करना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। एक पार्टी की चीज देख के दूसरे को हेट देना बिल्कुल ही गलत है। तो बस
सब ये सब सुन के मेरे सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा भड़क गए होंगे, लेकिन आपको कोई भी जरूरत नहीं है उस बंदे को हेट देने की, क्योंकि हम लोग का कल 2 घंटे कॉल पे बात हुआ है और हम लोग फिर से दोस्ती करने का ट्राई कर रहे हैं और फिर से दोस्त बनने का ट्राई कर रहे हैं। हम सब पास्ट भुलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग बस हमारा एक साथ दो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और टाइटन प्रो गेमिंग भाई की जितना भी वीडियोस आएगा उसमें कमेंट में बस यही दिखना चाहिए, फ्रेंड्स फॉरएवर और जेरी और टाइटन दोस्ती कर लो, ये होना चाहिए भाई, तभी हम लोग दोस्ती करेंगे और बिल्कुल अच्छे दोस्त बन जाएंगे, पक्के दोस्त बन जाएंगे, सारा पास्ट भुला देंगे, दोनों का गलती था ये आपको पता लग चुका है। तो वही चलो इसी के साथ टाइटन भाई से हम कॉन्ट्रोवर्सी खत्म करते हैं और हम फिर से अच्छा दोस्त बनने का ट्राई करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना इस वीडियो पे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना जिससे हम फिर से दोस्त बन सके। और एक पिकाचू काफी ज्यादा उछल रहा है जो मेरे को कमेंट में ऐसे कुछ धमकी दे रहा था, कम्युनिटी पोस्ट में क्या लिख रहा था, हाँ मास्टर जेरी बेटे तू तो गया, पता नहीं क्या क्या लिख रहा था भाई, उसको थोड़ा प्यार देते हुए जाना, उसे बता देना जरा वो किससे पंगा लेने का ट्राई कर रहा था। लेकिन छोड़ो भाई, तुम्हारा मन है थोड़ा प्यार देना हो तो कमेंट में दे देना, पता लग जाए उसे। तो चलो भाई जाता हूँ, लेकिन उससे पहले सेकंड चैनल पे आपका रोज गिल्ट टेस्ट लेता हूँ, आपको फ्रेंड लिस्ट में लेता हूँ, तो किसका वेट कर रहे हो भाई, सेकंड चैनल का लिंक कमेंट पे ना जाके सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो। और टाइटन भाई को कोई भी हेट मत देना, आज से दोस्त बनने का फिर से ट्राई कर रहे हैं हम लोग, तो फ्रेंड्स फॉरएवर कमेंट कीजिए और टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।